हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश ब्लॉग। आज हम लोग उड़ीसा का केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में सीतागंज में आके पहुंच गए हैं। आज मैं एक ही ब्लॉग में बहुत कुछ शेयर करने जा रही हूँ। सीता मैया अयोध्या से आने के बाद यहाँ रह रहे थे, इसलिए इस एरिया का नाम सीतागंज है। आज मैं आप लोग के साथ सीतागंज का भंडार घर, वाल्मीकि जी के आश्रम जहाँ लव एंड कुश ने शिक्षा ले रहे थे, शिव जी का टेम्पल, मशरूम हेड रॉक एंड रॉक स्क्रिप्ट, ये वाला वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये सब शेयर करने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले सीता मैया का भंडार घर देखते हैं। ये है भंडार घर जहाँ चारों तरफ हम लोग घूम के देख रहे हैं, और इस बहुत बड़ा सा पत्थर में छोटा सा रास्ता है जिसमें सीता मैया अपना सारा सामान भंडार घर में रखते थे। दोनों साइड रॉक है और बीच में छोटा सा रास्ता है। मशरूम है, पत्थर है, देखो नीचे मशरूम की तरह बना हुआ है, यहाँ पर फ्रेश को बेंडिंग है। मशरूम हेड है, ये रॉक एकदम मशरूम की तरह बना हुआ है। चलिए देखते हैं अभी फ्रेश को पेंटिंग क्या है। ये देखिए फ्रेस्को पेंटिंग, जूम करके दिखाती हूँ। फ्रेस्को पेंटिंग अच्छे से देख नहीं रहा है, बहुत पुराना है। ये हिस्टोरिकल प्लेस है। ये देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये है फ्रेस्को पेंटिंग, बहुत साल पुराना है। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, अभी थोड़ा बहुत मिट रहा है, अभी अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। ये देखिए चारों तरफ का व्यू, बस रॉक ही रॉक है, बहुत बड़ा बड़ा रॉक है यहाँ पे, पत्थर ही पत्थर। अब इधर से थोड़ी देर आगे अभी हम जाएंगे, उधर है वाल्मीकि आश्रम, तो वाल्मीकि आश्रम भी देखेंगे। उसके बाद टेम्पल जाएंगे, सीता माता के टेम्पल जहाँ लव कुश दोनों पैदा हुए थे, उनका बास प्लेस है, तो फिर उधर हम जाएंगे। चले चलते हैं, अच्छा अच्छा प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस। ये पहुँच गए हम वाल्मीकि आश्रम में। ये लोकेशन मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गार्ड बैठे हुए हैं, वो आप लोग को अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। ये आश्रम है, ये देखिए गुफा, यहाँ ऋषि वाल्मीकि जी तपस्या करते हैं, उनके ही आश्रम है ये। ये देखिए
यहीं पे बैठ के ऋषि वाल्मीकि जी तपस्या करते थे। ये देखिए बोई वाला जो प्लेस है वहाँ वाल्मीकि जी बैठ के तपस्या करते थे, ये उन्हीं का ही आश्रम है, यहीं पे खाना पीना भी बनता था उनका। ये वाला देखिए यहाँ उनका खाना पीना भी अंदर बन रहा था। अभी ऋषि वाल्मीकि जी आश्रम भी घूम लिए, अभी फिर से थोड़ी देर आगे जाएंगे, स्क्रिप्ट वगैरह है वो भी देखेंगे, मुझे भी एक्चुअली इतना पता नहीं है, जाने के बाद पता चलेगा। थोड़ी सी आगे में वो भी है, मतलब एक ही रूट में बस 20-25 मीटर्स में ही कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, उससे आगे ही बस थोड़ी देर 20-25 मीटर डिस्टेंस में ये है शिव जी का टेम्पल। ये देखिए ये सब प्लेसेस है हमारा हिडन एंड अनसीन प्लेसेस ऑफ उड़ीसा। देखिए ये सब एरिया में ज़्यादा कुछ देखने के लिए है तो नहीं, बट देखने के लिए आप चाहेंगे तो बहुत कुछ है, क्योंकि पूरा ये देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ। ये देखिए पत्थर के ऊपर खुदाई हुआ है, यहाँ पे आपको जितना भी पत्थर दिख रहा है सारे पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ खुदाई हुआ है। देखिए बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिकल प्लेस है, जो हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उन लोग को यहाँ एक बार आना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो ये पत्थर ही है, पर हिस्टोरिकल वे से आप लोग देखोगे तो बहुत कुछ है, यहाँ बहुत सी पत्थर से भी मिट भी गया है। और जो लोग हैं यहाँ आते हैं वो उसको ख़राब करके जाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ये एरिया अभी अंडर रिसर्च में है, अभी यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बट अभी नहीं कुछ साल के बाद, ये अंडर प्रोग्रेस में है अभी। ये देखिए यहाँ और एक खुदाई है, हाँ यहाँ भी और एक है, ये है, ये है, ये है। अब रॉक स्क्रिप्ट हम लोग देख लिए और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और देखिए यहाँ हमें क्या मिला है, बेर मिला है, जो यहाँ के गांव के लोग हैं तो वो पास में ही थे, उनको बेर मिला था तो दे दिए, क्योंकि रूरल एरिया है। तो यहाँ तो हमारा हो गया रॉक स्क्रिप्ट, इसके बाद हम चलेंगे देवी सीता माता का मंदिर, जहाँ की जहाँ पे लव एंड कुश दोनों पैदा हुए थे, उनका बर्थ प्लेस। चले चलते हैं, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस में ही है। चलिए उधर चल के फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ।